प्रिय सज्जनों, हनुमान जी के बड़े मंगल का पर्व क्यों मनाया जाता है? जप जोग विराग महामक साधन, दान दया दम कोटि हरे, मुनि सिद्धि सुरेश गणेश महेश सो, सेवत जनम अनेक मरे, निज मांगम ज्ञान पुराण पढ़े, निज मांगम ज्ञान पुराण पढ़े, तपसान लुमी जुग पुंजु जरे, मन सो पुनी रोपी कहे धर्मा, हनुमान बिना दुख कौन हरे। बोलो हनुमान जी महाराज की। प्रिय सज्जनों, इतिहासकार बताते हैं बड़े मंगल के पर्व के बारे में। अवध के सिया नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी आलिया बेगम को सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, अमुक स्थान पर धरती में मेरी मूर्ति दफन है, उसे निकाल कर अच्छी स्थान पर हमारी मूर्ति को स्थापित कर दिया जाए। आलिया बेगम ने उस जगह खुदाई शुरू करवा दी। उसी समय हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हो गई। उसी पल बेगम आलिया ने एक हाथी को मंगवाया और बेगम ने हाथी की पीठ पर मूर्ति स्थापित करके और हाथी को छोड़ दिया। आज हाथी मूर्ति को लेकर के और पूरे अवध नगर में घूमने लगा और घूमते घूमते लखनऊ के अलीगंज में पहुंच गया। और जब अलीगंज में जा कर के हाथी रुका तो आलिया बेगम ने हाथी की पीठ से हनुमान जी की मूर्ति को उतरवाया और हाथी को आज़ाद कर दिया। आलिया बेगम ने अपने पुत्र नवाब शहादत अली से कहा, पुत्र इस मूर्ति की स्थापना की जाए और मंदिर का निर्माण किया जाए। पुत्र नवाब शहादत अली ने उसी समय मंदिर का निर्माण कराया और मंदिर का निर्माण करा करके हनुमान जी की मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित कर दिया। और स्थापित करने के बाद बड़ी अच्छी तरह से मेला लगवाया और भंडारा प्रारंभ किया। हनुमान जी की मूर्ति को मंगलवार के दिन स्थापित कराया। मंगलवार के दिन ही क्यों उस नवाब सादत अली ने मूर्ति को स्थापित कराया? क्योंकि बेगम के पुत्र नवाब सादत अली का जन्म मंगलवार को ही हुआ था, इसलिए मंगलवार को ही मूर्ति की स्थापित की गई और विशाल मेला और विशाल भंडारा लगवाया गया। मंदिर जो अलीगंज में बना हुआ है, उस मंदिर के गुम्बद इस तरह के बने हुए हैं कि गुम्बद को देख करके प्रतीक होता है कि हिंदू और मुस्लिम एकता की पहचान उस गुम्बद से पता लगाई जा सकती है। पाप हरे परिताप हरे, तनु पूजिबो हिवल शीतलताई, हंस कियो बकते बलि जाऊं, कहां लो करुणा अधिकाई, काल बिलोक कहे धर्मा, काल बिलोक कहे धर्मा, मन में
प्रभु की परतीति अगाई जन्म जहां तेरा वरसों निबहे भर दे असने सगाई। बोलो हनुमान जी महाराज की।